हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। काफ़ी टाइम के बाद एक न्यू ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग स्टार्ट की अपनी कुकी को मैंने बहुत सारा प्यार। मॉर्निंग कुकी के बिना तो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। जब तक उसको प्यार ना कर लो, खिला ना लो उसको, खेल ना लो उसके साथ, वो ऐसे ही रिएक्ट करती है। देन अपना मॉर्निंग ड्रिंक प्रिपेयर किया, उसमें मैं वही लेमन जूस लेती हूँ, उसको इन्जॉय किया और उसके बाद चल दिए फिर अपनी राइड के लिए। मैं एक्चुअली मॉर्निंग में 5:30 तक उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे ड्राइविंग के लिए भी जाना होता है। तो ये मैं चल पड़ी। तो ये है मेरे भाई की कार, ये भारी पार्किंग का जो स्पेस है वहाँ पे खड़ी करते हैं, और थोड़ा सा आगे जाके मेरी है, तो इसके लिए हमें थोड़ा पदयात्रा करनी पड़ेगी। और फाइनली हम पहुँचने वाले अपनी कार के पास। वो देखिए, वो रही मेरी गाड़ी। मॉर्निंग में डेली ड्राइविंग के लिए एक्चुअली इसलिए जा रही हूँ कि क्लासेस वगैरह लेने के बाद ठीक है आ तो गया, बट फिर भी मैं भूल ना जाऊँ, मेरा हाथ सेट रहे, इसलिए मैं करती हूँ डेली ड्राइविंग, करती हूँ अलग अलग रूट्स पे, बट करती हूँ ट्राई। तो मेरे साथ मेरे नेबर भी हैं भैया, तो वो भी जाते हैं, वो एक हेल्पिंग हैंड की तरह जाते हैं कि वो बस बैठे रहते हैं और अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो वो हैंडल कर सकते हैं। बाकी तो मैं ही हूँ भाई, प्रो ड्राइवर, आई मीन हैवी ड्राइवर। देन उसके बाद घर आई, फिर वहाँ से आके मैंने फटाफट से क्लीनिंग वगैरह किया क्योंकि मुझे स्टोर जाना था, संडे सबके लिए बट मेरे लिए नहीं होता है। क्लीनिंग किया, डस्टिंग वगैरह किया, और गर्मी आज सच में बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये देखिए आप कुकी को, मैंने एसी ऑन किया तो ये लड़की आराम से बेड पे बैठी हुई है क्योंकि एसी का ही तो रूम है, एसी का बिल तो इसे देना नहीं है, तो बैठी है आराम से। उसके बाद मैं रेडी हुई और रेडी होके बस निकल पड़े अपने स्टोर के लिए। और गाइस सो सॉरी, बैकग्राउंड में जो भी वॉइस आ रही है उसे अवॉइड करना क्योंकि मैं स्टोर पर बैठ के ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, घर पे टाइम नहीं होता। स्टोर आके मैंने क्लीनिंग वगैरह किया, पेशेंट्स वगैरह देखे, हैंडल किए, सब स्टॉक मेंटेन किया, जो भी चीज़ें मंगवा कल भाई के मतलब ससुराल से उसके साले साहब आ रहे हैं तो इसलिए कल ऑफ करेंगे क्योंकि कल हम लोग शायद कहीं आउटिंग के लिए जाएंगे। और मैंने 3 वीक से कंटिन्यू कोई ऑफ नहीं किया है, काफ़ी टाइम भी हो चुका था। तो फिर कल देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ का प्लान करते हैं। अदरवाइज़ मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा है, अगर हम कल नहीं गए कहीं तो कल डस्टिंग करना है, कुकी को नहलाना है, घर के काम निपटाने हैं, बाहर के काम निपटाने हैं, यही करना है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। देन उसके बाद लंच टाइम हो गया था तो मैंने अपना लंच लिया, और मम्मा ने लंच में कढ़ी चावल दिया था बट मम्मा स्पून देना भूल गई, तो टिफ़िन देख के खुशी तो हुई लेकिन खाऊं किससे। देन उसके बाद सामने स्टोर के मेरे एक यूनिक बेकरी है, आप लोग वहाँ का केक ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। तो उन भैया से मैंने स्पून लिया, उन्होंने मुझे डिस्पोजेबल स्पून दिया, तब मैंने उससे खाया जाके, तो अच्छा था सब कुछ। देन उसके बाद घर आई तो घर भाभी ने ढोकला बनाया हुआ था चटनी के साथ, उसको इंजॉय किया, तारक मेहता देखा उसके साथ साथ, बिना तारक मेहता के मैं खाना नहीं खा सकती। देन उसके बाद मैं चली सोने, और सॉरी फॉर लेट ब्लॉग्स, और अब मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपडेट करती रहूँगी, थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ यार, क्या करूँ। चलिए फिर मैं चली सोने, गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। बाय बाय, लव यू ऑल, डू सब्सक्राइब।